ओम शांति। एक दिन मैंने मौन में शब्द को धसाया था और एक गहरी पीड़ा, एक गहरे आनंद में सन्निपात ग्रस्त सा विवश कुछ बोला था। सुना मैंने, मेरा वह बोलना दुनिया में काव्य कहलाया था। आज शब्द में मौन को धसाता हूं, अब ना पीड़ा है ना आनंद ही है। विस्मरण के सिंधु में डूबता सा जाता हूं, देखू तह तक पहुंचने तक यदि पहुंचता भी हूं क्या पाता। ये कविता है हरिवंश राय बच्चन की। इसमें कवि कह रहा है, एक दिन मैंने मौन में शब्द को धसाया था, एक दिन मौन में मैंने शब्दों को धसाया जबरदस्ती, फिर क्या हुआ, और एक गहरी पीड़ा, एक गहरे आनंद में सन्निपात, सन्निपात अर्थात बेसुध, बेहोश, डेलिरियस, सन्निपात ग्रस्त सा विवश कुछ बोला, मौन में शब्दों को धसाया और फिर विवश होकर मैंने कुछ बोला। सुना मेरा वह बोलना दुनिया में काव्य कहलाया था। मेरा वो जो बोलना था दुनिया में कविता काव्य बन गया। आज पर आज क्या कर रहा हूं, शब्द में मौन को धसाता हूं। पहले मौन में शब्दों को धसाया, अभी शब्द में मौन को घुसा रहा हूं। तो क्या हो रहा हूं, अब ना पीड़ा है ना आनंद है। विस्मरण के सिंधु में डूबता सा जाता हूं, देखूं तह तक पहुंचने तक यदि पहुंचता भी हूं क्या पाता हूं। दो अवस्थाएं बताई है, एक तो मौन में शब्दों को डुबाया और दूसरा शब्दों में मौन को डुबाया। पहली अवस्था में कवि बन गया और दूसरी अवस्था में खो गया। मौन सागर है और इस मौन में जब भी कोई शब्द जाएंगे और वहां से जब निकलेंगे तो संगीत बन जाएंगे, कविता बन जाएगी, काव्य बन जाएंगे। परंतु यदि शब्द जो है उसमें जबरदस्ती मौन डालने की कोशिश करेंगे फिर पता नहीं क्या होगा। कवि कह रहा है मैं खो गया हूं, विस्मरण हो गया है मुझे। तो आज हम जब अमृत वेला कर रहे थे और जो उस दिन रविवार को भी कहा कि बाबा कौन है, मौन का सागर, तो हम सोच रहे थे कि बाबा ऐसी कौन कौन सी बातें हैं कि जिसका वो सागर है। शिव जैसे एक अनोखा सागर है, तो सबसे पहला तो वो मौन का सागर है, परम मौन का, जहां पर कोई आवाज नहीं। और वो उस मौन से जब संसार में आता है और फिर कुछ बोलता है तो उस बोल में कुछ अजीब सा प्रभाव होता है। और वो आता भी है शब्दों में, किस लिए, मौन में ले जाने के लिए, आवाज से परे बाप आवाज की दुनिया में आवाज से परे ले जाने आया है। तो सबसे पहले उसकी जो महिमा है वो मौन की है, वो परम मौन है, द ग्रेट साइलेंस। और यदि उसको जानना है, यदि उसको समझना है, तो आत्मा को भी उसी मौन में प्रवेश करना पड़ेगा। बिना उस मौन में प्रवेश किए उस परम मौन को जाना ही नहीं जा सकता, केवल उसके शब्दों द्वारा, क्योंकि उस परम मौन ने नीचे आकर कुछ शब्द कहे, पर केवल शब्दों से खेलते खेलते, शब्दों को जानते हुए उसको नहीं जाना जा सकता।
केवल चिंतन करते करते उसके कही हुई बातों का उसको नहीं जाना जा सकता, उसको जानने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, और वो और है मौन। अंतर बाहर दोनों के शब्द शांत हो जाए तो ही उसको जाना जा सकता है। अंतर के शब्द, अंदर के शब्द, बाहर के शब्द, ये दोनों शब्द जब शांत होंगे और एक साइलेंस की अवस्था क्रिएट होगी, उस साइलेंस में इस साइलेंस को जाना जा सकता है। केवल शब्द, केवल वाचा, केवल वाचाल होना, केवल पढ़ते रहना, इससे उसको नहीं जाना जा सकता है। सत्य इतना आसान नहीं है कि किसी ग्रंथ का अध्ययन करने से उसे जान लिया जाए, या केवल मुरली से ही भी उसको नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वो उससे भी परे है, वो उसके उसकी अभिव्यक्ति है, वो कह रहा है, परंतु वो स्वयं सबसे परे है। ऐसी शायद ही कोई दो मुरलियां होगी जो समान होगी कि है, कोई भी नहीं। टॉपिक समान हो सकते हैं, परंतु अंदर जो कहा है या जिस ढंग से कहा गया है वो अलग अलग है, क्योंकि वो सागर है। तो सबसे पहले उसकी जो महिमा है, वो मौन का सागर है, सी ऑफ साइलेंस, शिव सागर की अनोखी महिमा है ये। दूसरा, वो गहराई का सागर है। एक तो है कि सागर में गहराई होती है, दूसरा गहराई का सागर। आज सुबह की साकार मुरली में बाबा ने कहा है, मैं तुम्हें गहरी गहरी बातें बताता हूं। इसके लिए सुनना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि फुर्सत नहीं है। तुम्हारे तुनीर में, तर्कस में क्या होना चाहिए? ज्ञानवान होने चाहिए, अच्छे अच्छे नए नए। तो भगवान स्वयं गहराई का सागर है। यदि गहराई को पाना है, गहराई को छूना है, तह तक जाना है, तो उस गहराई को समझना पड़ेगा। हर चीज की वो गहराई है, मनोविज्ञान की गहराई उसमें है, तप की गहराई, साधना की गहराई, पवित्रता की गहराई, ज्ञान की गहराई, योग की गहराई, हर चीज की गहराई का वो सागर है। उस सागर में उतरना पड़ेगा। और यदि कोई कहे कि मैं सागर में नहीं उतर सकता, डूबने का भय है, तो क्या कहेंगे? जब तक इस सागर में उतरते नहीं, तब तक तैरना भी नहीं सीख पाएंगे। कोई एक व्यक्ति है, वो आता है पहली बार तैरने सीखना, और जैसे ही वहां खड़ा होता है स्प्रिंग बोर्ड में, पैर फिसलता है और नीचे गिर जाता है, और फिर डूबने लगता है, और दूसरे लोग उसको आके बचाते हैं, और फिर वो संकल्प करता है कि जब तक तैरना न सीख जाऊं, अब इसके बाद मैं उतरूंगा ही नहीं पानी में, क्योंकि खतरा बहुत है। पहले मैं तैरना सीखूंगा, फिर पानी में जाऊंगा, पूरा सुरक्षित जब हो जाऊंगा। जब तक मैं तैरना नहीं सीखूंगा, अभी इसके बाद ये गलती फिर से नहीं करूंगा। जान लेने के देने पड़ गए थे, अभी तो पूरी जान जा रही थी। अगर कोई ऐसा सोच ले तो कभी तैर पाएगा, सीखेगा? कभी नहीं। यदि गहराई को जानना है, गहराई को जीवन में धारण करना है, गहराई में डूबना है, तैरना है इसमें, तो इसमें उतरना पड़ेगा। उस गहराई में भगवान गहराई का सागर है, शिव गहराई का सागर है, हर चीज की गहराई है। हर चीज की गहराई को जानना पड़ेगा, क्या है वो, जो वो शब्द कहता है, जो वो बोलता है, उसमें क्या गहराई है, उसके शब्दों की क्या गहराई है,
उसकी बातों की क्या गहराई है, उसके भाव की क्या गहराई है, उसकी भावनाओं की क्या गहराई है, जो लक्ष्य वो हमें दे रहा है उस लक्ष्य की क्या गहराई है, जो आके वो एक एक शब्द बोल रहा है क्या है उसमें। ज्ञानेश्वर क्या करते हैं आशीष भाई आज की मुरली में? ज्ञानेश्वर क्या करते हैं? आकर ज्ञान चक्षु खोलते हैं। बिना ज्ञानेश्वर के और कोई ज्ञान चक्षु खोल नहीं सकता। कितनी गहराई है, एक छोटा सा वाक्य है मुरली का, ज्ञान चक्षु खुल जाए। और जब ज्ञान चक्षु खुलते हैं तो चीजें वैसी नहीं दिखाई देती जैसे अब है, कुछ और दिखाई देता है। आत्मा है फर्स्ट, आज कहा मुरली में बाबा ने, तुम शरीर को नहीं देखते, तुम आत्मा को देखते हो। और जो जो चीज विवश करती है आज शरीर को देखने के लिए, वो बाधा है योग में। जो चीज उत्तेजित करती है हमको शरीर को देखने के लिए, या शरीर को देखने का चिंतन करने का कारण बनती है, ट्रिगर बनता है, वो देहभान में लाने वाला है। कौन सा हाथी नहीं बनना है तुम्हें? मकना हाथी नहीं बन जाना है? मकना हाथी, मदमस्त हाथी, जिसको बहुत शराब पिलाई जाती है और मस्ती से जो चलता है, पागल हाथी, वाइल्ड एलिफेंट जो होता है वो मकना हाथी होता है। उसमें बड़ा देहभान होता है, देहभान बड़ा नुकसान करता है, कुचल देता है, किसी को नहीं देता है, वो उठा के पटक देता है, बिल्कुल पागल हाथी होता है वो मकना हाथी। तो देहभान मकना हाथी है। तो उसके शब्द शब्द में, वाक्य वाक्य में गहराई है। गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, ये चिंतन का विषय है। गुड़ क्या जानता है और गोथरी क्या जानता है, और उसके अतिरिक्त और कोई कुछ नहीं जानता। तो गहराई, शब्द शब्द की गहराई, वाक्य वाक्य की गहराई, उस गहराई में डूबना है, उस गहराई का सोचना है, चिंतन करना है, मनन करना है कि ये उसने क्यों कहा। तुम बाप की मदद से शक्ति लेते हो, तुम बाप से शक्ति लेते हो और सारे दुनिया को पावन बनाते हो, तो कल की मुरली में क्या वाक्य था? तो तुम बाप की मदद से दुनिया को पावन बनाते हो, तुम बाप से शक्ति लेते हो और दुनिया को पावन बनाते हो, तो सारी दुनिया को तुम्हारी पूजा करनी चाहिए, सारी दुनिया को तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। कल बोला था ना, तो उसके शब्द शब्द में पावर है, वो गहराई का सागर है। पहले मौन का सागर है, परम मौन का सागर है। शब्द वहां है नहीं, निर्वाक है वो, शब्द खो गए, शब्दों का अस्तित्व वहां नहीं, शब्द का सामर्थ्य नहीं वहां तक पहुंचने का, शब्द से पार है वो, भाषा से पार है वो, लैंग्वेज से पार है, व्याकरण से पार है। वो शब्दों की दुनिया में आते हुए भी शब्दों से परे है, अनगूगलेबल है वो। उसको नहीं जान पाते तुम। गूगल में एक शब्द होता है अनगूगलेबल, यदि गूगल में एक शब्द डालो उधर से कॉमा एरो वगैरह दे दो तो कुछ भी नहीं आएगा, नो रिजल्ट। इन शब्दों को कहा जाता है अनगूगलेबल वर्ड्स। वैसे भगवान को तुम्हारा गूगल जान नहीं पाता है, अनगूगलेबल है, अवर्णनीय है, अव्याख्य है, अनस्पीकेबल है, अकथनीय है, अनफैदमेबल, जिस तक पहुंचा नहीं जा सकता, उस अतल है वो, अतल, जिसकी कोई था नहीं, जिसका कोई तल नहीं। ऐसा वो सागर है मौन का, ऐसा वो सागर है गहराई का, ये दूसरा। तीसरा, वो स्थिरता का सागर है। भगवान स्थिरता का सागर है, हमेशा स्थिर है।
यहां की कोई भी बात, लहरें, तरंगे, रिपल्स उसमें उत्पन्न नहीं करती है, वो हलचल में आता है क्या? ऐसे कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, कोई हलचल है ही नहीं उसमें, प्रशांत है निरंतर, परम शांत है, प्रशांत सागर की तरह, द पैसिफिक, द पैसिफिक है वो, जिसमें कोई हलचल नहीं, जिसमें स्थिरता है, जिसमें अडोलता है, अचलता है, अडिगता है, ऐसा वो स्थिरता का सागर है। और ये जो सात महिमा उसकी आज हम बता रहे हैं, ये सारी की सारी हमें अपने अंदर धारण करनी है। वही मौन हम में आ जाए, वही गहराई हम में आ जाए, वही स्थिरता हम में आ जाए, और वो आएगी कैसे, उस पर ध्यान लगाने से, उसका मनन करने से, उस पर चिंतन करने से। उस दिन बताए थे शिव बाबा के सात रूप, रोज करने हैं वो, बहुत मजा आएगा। सबसे पहला वो बिंदी है, दूसरा वो ज्योति है, तीसरा वो क्या है, बीज है, अगला स्टार है, अगला सागर है और पहाड़ है। तो ऐसे ये सात रूप है, परम धाम का रोज योग इन सातों पर होना चाहिए। ऊपर पहुंचते ही पहले देखना वो बीज है, और मैं उस बीज से योग लगा रहा हूं, देखना वो बिंदी है तो मैं भी बिंदी हूं, वो ज्योति है, महाज्योति का ताप मुझ में आ रहा है, वो स्टार है, सुप्रीम स्टार, ट्विंकलिंग, शाइनिंग, चमक रहा है, उसकी चमक मुझ में आ रही है। फिर देखना वो सूर्य है, उस सूर्य की किरणें मुझ में आ रही है, पहाड़ है, इस पहाड़ को मैं खा जाऊंगा, जब तक इस पहाड़ को नहीं खा जाऊं रुकूंगी नहीं। तो ये परम धाम के योग है। तो तीसरा शिव बाबा क्या है, स्थिरता का सागर है। जैसा वो स्थिर है, मैं भी वैसा ही निष्कंप, अकंप, निस्तरंग, रिपललेस, एब्सोल्युटली काम, लिम्पिड, शांत, प्रशांत, स्थिर सागर हूं। ये तीसरा। चौथी महिमा वो धैर्य का सागर है। उसका धैर्य कैसा है, अथाह है, धैर्य की कोई सीमा ही नहीं है, इतना उसमें धैर्य है। धैर्य और हलचल अलग चीज है, धैर्य में पेशेंस बहुत है उसके पास, बहुत रुकता है वो। लाउत से एक चीन का दार्शनिक है, उसने लिखा है कि मनुष्य जल्दबाजी क्यों करता है, इस प्रकृति को देखो, प्रकृति को कोई जल्दबाजी है, नेचर नोज नो हरी, कोई नेचर को हरी नहीं है, और हम क्यों भाग रहे हैं, फिर क्यों हरी कर रहे हैं, ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए, जल्दी करो, जल्दी कर दो, जल्दी करो। नदियां कैसे आराम से बह रही है, हवाएं बह रही है, कोई किसी को जल्दबाजी नहीं है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। पौधा जो, उसको जल्दबाजी होता है कि मैं जल्दी बड़ा हो जाऊं, ये मेरा बाजू वाला देखो कितना सीनियर हो गया, मैं कब हूं, मुझे भी इंचार्ज हेड। छोटे पौधे को कोई जल्दबाजी नहीं है, वो कितना धीरे 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 धीरे, मनुष्य को ही जल्दबाजी है। तो प्रकृति में कोई जल्दबाजी नहीं है और सारे कार्य आराम से हो रहे हैं, मनुष्य व्यर्थ ही जल्दबाजी कर रहा है, और जल्दबाजी से कभी कोई काम नहीं होते। हरी वरी करी तो स्थिरता अचलता का निशान ये मूवमेंट से संबंधित है, और धैर्य समय से संबंध है, पेशेंस का संबंध टाइम से है, स्टेडीनेस का संबंध मूवमेंट से है। जो मूवमेंट नहीं है, जो चलायमान नहीं है, जो अचल है, जो चंचल घर नहीं, अचल घर है, अनशेकेबल, इमूवेबल, अनफ्लिंजिंग, वो जो है वो उसका संबंध मूवमेंट से है, मोशन से है, गति से है। और पेशेंस का संबंध समय से है, उसमें जल्दबाजी नहीं है, पेशेंस है,
धीरज धर मनवा, धीरे धीरे उसका धीरज परम है, विराट धीरज है उसका, रुका हुआ है उसमें कोई जल्दबाजी नहीं, कितना जबरदस्त धीरज है। आत्माएं आ रही है, आत्माएं ज्ञान छोड़कर जाती है फिर आती है, तब तक रुकता है वो, उसको कोई चिंता नहीं है कि ये छोड़ के जा रहा है, नहीं जाना चाहिए। तो वो चौथा धैर्य का सागर है, धीरज का सागर है, पेशेंस का सागर है। छठवा वो साक्षी का सागर है, पांचवा वो साक्षी का सागर है, सब कुछ साक्षी होकर देखता है वो सब कुछ, उसे ये भी नहीं ये मेरे बच्चे ये वो मेरे नहीं, बोलता जरूर आके है कि अंचलि देने में वो मेरी प्रवृत्ति सारा विश्व है, संडे बोला ना उनको अंचलि तुमको वर्षा, वो बोलता जरूर है परंतु साक्षी है, संपूर्ण साक्षी, सब कुछ साक्षी होकर देखने वाला, कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं होता है, किसी के भी कार्मिक अकाउंट में इंटरफियर नहीं करता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तो तसफल चाखा, कर्म की फिलॉसफी सिद्धांत बना रखे, अपने आप काम हो रहे, वो किसी को सजा वीजा नहीं देता है। जिसको तुम ढूंढ रहे थे वो मैं तो वही परम पिता, तुम्हारा परम धाम में तुम्हारा परम प्रिय बाप हूं, आज की मुरली में जिसको तुम ढूंढ रहे थे वो तुम्हारा परम धाम में रहने वाला मैं परम प्रिय बाप हूं, बाबा हूं, परंतु फिर भी वो साक्षी है, संपूर्ण साक्षी। साक्षी की भी सर्वोच्च अवस्था पराकाष्ठा, कल्मिनेशन ऑफ साक्षी, द पिनाकल ऑफ डिटैच्ड ऑब्जर्वरशिप, सबसे हाईएस्ट स्टेज है उसकी साक्षी की, इसलिए सबसे ज्यादा अचल है, इसके लिए कोई चीजें उसको प्रभावित नहीं करती, हलचल में नहीं लाती, और हम हलचल में है उसका एक ही कारण है, क्योंकि हम साक्षी नहीं है, हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम प्रेक्षक नहीं, हम दर्शक नहीं, हम अभिनेता बन जाते हैं। जब हम देखें कि यह अभिनय हो रहा है और मैं दर्शक हूं, प्रेषण कर रहा हूं, प्रेक्षक हूं, तो फिर यहां की चीजें मुझे प्रभावित नहीं करेंगी, क्योंकि मुझे पता है ये जो हो रहा है ये सिनेमा उधर हो रहा है, पर हम यहां की सीट छोड़ देते हैं और यहां घुस जाते हैं और बस मैं यही बन जाता हूं जो हूं, व्यक्ति, सेवाधारी, पति, पत्नी, बच्चा, भाई, कुमार, कुमारी, कल कल की मुरली में था रावण कुमार, नया शब्द था ना, शूद्र कुमार या रावण कुमार बन जाते, तो हम आइडेंटिफाई कर लेते, तदात्म कर लेते हैं कि ये मैं हूं, ये मेरा है, परंतु भगवान पार्ट जब वो नीचे आता है तब भी वो साक्षी है, ऊपर तो साक्षी है ही है, परंतु जो नीचे आकर देखता है और नीचे आकर बोलते बोलते भी साक्षी है, प्यार करते हुए भी साक्षी है, मुरली सुनाते हुए भी साक्षी है, इन्वॉल्वमेंट कहीं भी नहीं है उसका, इसके लिए वो सबसे ज्यादा अचल है, सबसे ज्यादा धैर्य उसमें है, सबसे ज्यादा मौन उसमें है, सबसे ज्यादा स्थिरता उसमें है, ऊपर की चारों चीजों का आधार वो साक्षी है, संपूर्ण साक्षी। उसे केवल देखना है, कहीं कुछ करना नहीं, इंटरफियर नहीं करना है, वो कुछ करना ठीक नहीं करना चाहता, आप ही सब कुछ होगा, इस भाव को धारण करना है। साक्षी स्थिति अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था है, जिसमें व्यक्ति फिर ये नहीं सोचता मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा पूरा सिस्टम को बदल के रख दूंगा, आमूल परिवर्तन कर दूंगा इस दुनिया में, ये सब विचार विलीन हो जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि वो फिर देखता है, वो परम साक्षी भाव है, वो साक्षी की साधना है, वो साक्षी का सागर आ जाता है फिर हमारे अंदर। तो इस गागर में उस साक्षी के सागर को भरना है। तो पांचवा वो साक्षी का सागर है, छठवा वो अनासक्ति का सागर है, अनासक्त है वो, कंप्लीटली डिटैच्ड, कोई जी रहा है कोई मर रहा है
उसको फर्क पड़ता है क्या? साक्षी अर्थात देखना, अनासक्ति का संबंध वैराग से है, साक्षी का संबंध देखने से है, ऑब्जर्वरशिप से है। अनासक्त अर्थात कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई लगाव नहीं, कोई मोह नहीं, कोई आसक्ति नहीं कि इस किसी को पकड़ के नहीं रखा है उसने, उसके लिए कुछ नहीं है, खेल हो रहा है। जैसे एक कटोरी है और जिसमें मिट्टी के बहुत सारे खिलौने बनाए गए और वो खिलौने टूट रहे हैं, जुड़ रहे हैं, नए बन रहे हैं, ऐसा खेल चल रहा है सृष्टि पर। उसे क्या, कोई मरता है तो दुख होता है क्या उसको? उसको कोई दुख होता है? वाइफ, हस्बैंड, मदर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो वीतराग है, अनासक्ति का सागर है, ओशन ऑफ डिटैचमेंट, ओशन ऑफ वैराग, वैराग का सागर ले लो। पर वैराग शब्द भगवान के लिए नहीं कहा जाता वैराग दिलाने वाला है, इसके लिए अनासक्ति का वो सागर है। वो यादगार है शंकर, और वो उसका यादगार कम, हमारा यादगार ज्यादा है शंकर। यहां पर कभी क्लास भी हुई थी ना शंकर के 16 स्वरूप, चांद और वो सब चीजें। तो शंकर प्रतीक है वैराग का, वो हमारा यादगार है, उसका कम, क्योंकि लास्ट में लोगों को हम में वो दिखेगा। इसके लिए वो शंकर और शिव को द्वापर से एक कर देंगे, क्योंकि हम में, हम शंकर है, हम में शिव दिखेगा उनको। इसके लिए फिर वो याद करके जाएंगे वहां से, यहां से पाठ पढ़ के जाएंगे, यहां का होमवर्क उनको द्वापर में काम आएगा एक करने में तो अनासक्ति का सागर। और लास्ट सातवा, वो रहम और क्षमा का सागर है। शिव सागर रहम का और क्षमा का सागर है। रहम तो करता ही और साथ साथ क्या कर देता है, क्षमा भी करता है। बड़े से बड़े अपराधी को वो क्षमा कर देगा, दुर्दांत अपराधी, खतरनाक अपराधी को भी वो क्षमा करता है। एक सूफी फकीर ने तो ऐसा लिखा है कि माना मेरे पाप बहुत है और मैं करूंगा, क्योंकि तेरा भी तो गायन है, तू रहम का सागर है, वो कैसे पता चलेगा? करूंगा मैं बहुत पाप, क्योंकि तू भी रहम का सागर है और क्षमा का सागर है, ओशन ऑफ पार्डन, फॉरगिवनेस। तो वो रहम का सागर है। आज की मुरली में बाबा को बच्चे कहते हैं, बाप बाबा कृपा करो। उत्तर क्या दिया मुरली में बाबा ने, देवेंद्र भाई? उत्तर क्या दिया मनोज भाई आज की मुरली में? बच्चे बाप से कहते हैं, बाबा कृपा करो, पढ़कर स्वयं पर कृपा करो। उत्तर क्या दिया? पढ़कर खुद पर तुम कृपा करो, मैं कोई कृपा विपा करने नहीं आया हूं यहां। कृपा करनी लेनी है तो जाओ उन साधु संत योगियों के पास, वो करेंगे कृपा, मैं कोई कृपा विपा नहीं करता हूं। तो वो रहम का सागर है और वो किसका सागर है? क्षमा का। परंतु वो क्षमा करता तो है, परंतु इसका मतलब ये नहीं क्या, गलती करते रहो, क्षमा मांगते रहो, खत लिखते रहो, भूले करते रहो, क्षमा मांगते रहो, इसको रीति रसम नहीं बना देना ब्राह्मण परिवार का। एक मुरली में बाबा ने कहा है, इसको ब्राह्मण परिवार की थ्री पी पता है ना, पाप, पश्चाताप, पार्डन, ये थ्री पीस को ब्राह्मण की रीति रसम नहीं बना देना। पाप करना, फिर पश्चाताप करना और फिर क्षमा मांगना, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, और बार बार वही वही करते रहना, रोज रोज गलतियां करना, रोज पाप करना, रोज पश्चाताप करना, रोज बाबा को खत लिखना और फिर बाबा को रोज कहना माफ कर दो, फिर से वही। वो इतना बुद्धू नहीं है तुम्हारे झांसे में आ जाए बुद्धिमानों की बुद्धि है तुम्हारी जालसाजी वहां चलेगी नहीं,
वो परम बुद्धिमान है, बुद्धिमानों की वो बुद्धि है, सब उसको पता है, चतुर सुजान है वो, हर रास को जानने वाला राजू रमतबाज है। तो ऐसा वो है तो उसके सामने ये ठगी चल ना सके। तो ऐसे सप्त सागर है वो, पहला बताया मौन का सागर, और यदि उसको जानना है या उसके समान बनना है या उसका प्यारा बनना है तो वो तुम्हारे अंदर प्रवेश करे। आज की मुरली में बहुत सुंदर वाक्य है, बाप तुम में प्रवेश नहीं करता है, बाप की याद तुम्हारे दिल में प्रवेश करती है। बाप तुम में प्रवेश नहीं करता है, उन्होंने तो कह दिया वो सर्वव्यापी है, वो तुम में थोड़ी प्रवेश करता है, उसकी याद तुम्हारे दिल में प्रवेश करती है। और याद अग्नि है, भस्म करेगी। आज का ज्ञान अग्नि नहीं, चलो दो दिन में आ जाएगा कि ज्ञान भी अग्नि है, वो दूसरी बात है। तो उसकी याद तुम्हारे कहां प्रवेश करे, दिल में प्रवेश कर जाए, तो वो मौन का सागर है। उसे जानना है, उसे समझना है, तो उस मौन को अपने अंदर धारण करना है। जैसे कोई ऊपर से कलश से वो मौन झलका रहा है और वो मौन हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है, उस मौन को अपने अंदर समा लेना है, धारण करना है। क्योंकि ज्ञान की गहराई और ज्ञान की डेप्थ केवल मौन से ही समझी जा सकती है। कोई कहे कि ये मुरली मैं लेता हूं और 10 बार पढ़ता हूं, देखता हूं क्या होता है, नहीं जाएगा। मुरली का वास्तविक अर्थ जो समझ में आएगा मौन की अवस्था में समझ में आएगा। क्या कहा है, शब्द जहां खो जाएंगे वहां शब्दों के अर्थ समझ में आएंगे, शब्द जहां विलीन हो जाएंगे वहां शब्दों के अंदर का छिपा हुआ भाव समझ में आएगा। इसके लिए वो मौन का सागर है, तो उस मौन से स्वयं को भरना है। कैसे भरेंगे, सबसे बड़ा मौन पहले मुख का मौन, मन का बाद में आएगा, पहले मुख का। हरेक को बोलना है, सुनने की किसी को भी कोई इच्छा नहीं होती है वास्तव में। जो सुन भी रहे हैं वो इसलिए सुन रहे हैं कि हमारी बारी कब आएगी, सुनता कोई भी नहीं है। एक सभा में एक राजनेता भाषण कर रहा था और भाषण जब कर रहा था धीरे धीरे सभी उठ के जाने लगे, पर भाषण तो चालू था, भाषण थोड़ी ना रुकेगा। और जब एक ही बज के आखिर में तो नेताजी ने कहा आजकल लोगों को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है भाषण का, एक तुम ही हो बुद्धिमान जो बैठे हो सुनने के लिए, क्या मैं जान सकता हूं आप क्यों बैठे हो। तो वो कहता है अभी आपके बाद मेरा है नंबर भाषण का, अब तुमको सुनना पड़ेगा, सुनने की रिश्वत दी है, अब तुम्हारी बारी है, मैं सुनाऊंगा। क्योंकि जब मैं बैठा था तो ये थोड़ी ना मैं सुन रहा था, मैं तो अपना रिवाइज कर रहा था ना, मुझे क्या बोलना है, वो बोल रहा है वो अपना बोल रहा है, उसको उससे किसको क्या लेना देना, मैं तो हमारा अपना सोच रहा हूं कि ये उठ जाए और फिर मैं बोलूं। सुनना तो किसी को ही नहीं है, हर एक को बोलना है। बोलना चाहता है हर एक, सुनाना चाहता है, इसमें बड़ा आकर्षण है, पकड़ लेता है माइक। तो मौन, वो मौन का सागर, उसके जैसे मौन में उतरना। दूसरा बताया वो स्थिरता का सागर, दूसरा गहराई का सागर। वो गहराई है, हर चीज को गहराई से समझना है, किसी बात को तुरंत स्वीकार नहीं करना, सोचना ये क्यों है, ये कैसा है, क्यों आज बाबा ने कहा मधुबन क्या है, तीर्थ स्थान है, चिंतन करना इसके विषय में। 4 उत्तर दिए इसके मधुबन तीर्थ स्थान के, जो यहां होता है पहले तो तुम पुण्य आत्मा बन जाते हो। क्यों मैं पुण्य आत्मा बन जाता हूं मधुबन में आकर,
चिंतन का विषय है। जो भी समस्या है उससे पार चले जाते हो, क्यों समस्याओं से पार चले जाती है आत्मा मधुबन में आके? तीसरा, तावीज का काम करता है ये, द मैजिकल एमुलेट तिलिस्म। और चौथा, भाग्य, झूले में झूलते हो सुख शांति के यहां आकर। ऐसी ये चार बातें हो जाती है मधुबन में आके, वरदान दिया। तो मधुबन तीर्थ है, तीर्थ क्यों कहा? तीर्थों पर क्या होता है? तीर्थों पर लोग क्यों जाते हैं? तीर्थों की इतनी महिमा क्यों है? चिंतन का विषय है। परंतु चिंतन हम तब कर सकते हैं जब हमें संकल्प हो मन में, ये आज की मुरली का वरदान है और मुझे सोचना है इसके विषय में। टाइम देना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। बाकी जो टाइम है, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, बातचीत, गपशप, गॉसिप्स, भोजन, वो सब से इधर हटके इस पे फोकस करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर हम सोच सकेंगे, कुछ तो नवीन निकाल सकेंगे। भगवान की कोई दो मुरलियां एक जैसी नहीं है। तो हमारे दो चीजें कही हुई एक जैसी ना हो। एक ही टॉपिक पर अगर 10 बार बोलना हो तो 10 बार अलग अलग होना चाहिए। कुछ भी रिपीट ना हो। अगर ऐसा करना है तो उस गहराई में उतरना पड़ेगा चिंतन की, नहीं तो वही 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 रिपीट। जैसे एक नेता था, 2 भाषण रेडीमेड रखे थे उसने, जहां भी जाओ वो 2 भाषण करो, और 2 एक्स्ट्रा रखे थे अगर कहीं 2 से ज्यादा ही बोलना पड़े तो। हमारा ऐसा नहीं है। हमारा हर दिन नव चिंतन हो, नया चिंतन हो। जो आज बोला वो गुम हो जाए, अब नया। ये चिंतन का भी एक बंधन है। हमने अगर कुछ चीज पर बोला है 10 दिन पहले और आज का उसी पर बोलो, तो हमारे एक टेंडेंसी होती है कि उसको रिवाइज करें और वही बोला जाए पकड़ के। क्यों नया सोचे? ऑलरेडी रेडीमेड चिंतन तो किया हुआ है ना। वो स्वपुरुषार्थ है। यहां बोलने के लिए हम कह रहे हैं, तो गहराई में जाना। तीसरा, वो स्थिरता का सागर है। जैसा वो स्थिर है, परिस्थितियां खड़ी करके देखना अपने इर्द गिर्द, भूकंप इधर आ रहा है और हम खड़े हैं। आशीष भाई, इमरजेंसी आ गई, मास कैजुअल्टी, स्थिर रह पाएंगे? 100 पेशेंट्स एक साथ, बस उलट गई, 100 पेशेंट आ गए। ऐसे कई बार हुआ है, या मुंबई में, या बॉम्ब स्पॉट हो गया, पूरा एक साथ इमरजेंसी, 30 पेशेंट एक साथ, इसको देखू कि इसको देखू कि इसको देखू। हाँ, तो ये सब करते हुए स्थिरता से मैनेज करना, हैंडल करना, ये पावर है। कई लोग 2 ही आ जाते तो पूरी रात डिस्टर्ब हो जाते, मतलब ये डॉक्टरों की बात है, हलचल में आ जाते इतना। और कहीं कहीं 10-10, 10-10। हम लोग जब मुंबई में थे, एक ही नाइट में इतने पेशेंट्स आ जाते थे, इसको ये किया, उसको वो किया, उसको उधर डाला, इसको वेंटिलेटर, इसको ये किया, 10 एक साथ, 10ों को एक साथ मैनेज करना है। 10ों के 10 अलग अलग रिलेटिव्स जो कि छाती पर बैठ के पूरे प्रश्न पूछते रहते हैं, अब कैसा है, अब कैसा है, 5-5 मिनट में पूछते रहते हैं। तो सारी हलचल में स्थिर, स्थिरता का वो सागर है, तो हमें भी स्थिर बनना है। चौथा, धैर्य का। उसमें जितना धैर्य है, टाइम, हम में भी धैर्य किस लिए? दूसरों के लिए, दूसरों के संबंधित है धैर्य। स्थिरता खुद के लिए है, धैर्य दूसरों के प्रति धीरज। हम जल्द नहीं, ये नहीं कह सकते ये ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा क्यों करता है, होगा। भगवान ने धीरज धरा है, उसके लिए हमें भी धरना पड़ेगा। अगला सागर है वो साक्षी का सागर है, संपूर्ण साक्षी भाव। 24 घंटे में, बीच बीच में, जब कोई काम नहीं रहता है, बैठकर देखना है साक्षी होकर। जैसे मैं इस ड्रामा में हुई नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, मैं संपूर्ण निर्मोही हूं, सब मेरे लिए कोई लेना देना नहीं है किसी से। मैं खाली देख रहा हूं, ये लोग हैं, ये सारे लोग हैं और इनको मैं देख रहा हूं, संपूर्ण साक्षी। कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई बीमार पड़ रहा है, किसी का किसी के साथ हिसाब किताब हो रहा है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, खेल हो रहा है बस।
आज भी कहा ना, ये भूल भुलैया का खेल है। आज की मुरली में ये भूल भुलैया का खेल है। यहां भटक रहे लोग, मैं दुखी नहीं होगा, अरे गलत रास्ते से क्यों जा रहे, ये रास्ता ठीक है, उसका पार्ट ही भटकने का है, वो दूसरी बात है, मैं सेवा करूं, परंतु ये साक्षी भाव। उसके बाद भगवान है अनासक्ति का सागर, और लास्ट बताया वो रहम का, कंपैशन का, मर्सी का, दया का, कृपालु है, कृपा सिंधु दया सिंधु है, अल रहमान अल रहीम, ओशन ऑफ कंपैशन है, और माफ करता है, साथ साथ दोनों चीजें जुड़ी हुई है। ऐसा ये अनोखा शिव सागर है। ओम शांति।